जनपद संभल के गांव में प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी विद्यालय की बाउंड्री निर्माण में हो रहा है पीला ईंट का इस्तेमाल। नहीं कोई ग्राम प्रधानों पर अंकुश लगाने वाला। जनपद संभल के रजपुरा ब्लॉक के गांव रानीगंज में पीला ईंट से हो रहा विद्यालय बाउंड्री का निर्माण। जहां एक ओर योगी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की मिलीभगत से घटिया सामग्री से सरकारी स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधान से बात की तो ग्राम प्रधान ने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया और कहने लगे कि ईंट जो मैं लगा रहा हूं वह सही है। हम आपको बता दें कि आप वीडियो साफ देख सकते हैं कि पीला ईंट ही इस्तेमाल की जा रही है। वह विद्यालय की बात करें तो विद्यालय की चर्चित दीवार में साफ दिखाई दे रही है। वह विद्यालय में साफ सफाई की बात करेंगे तो गंदगी का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है। स्वच्छता अभियान की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वह विद्यालय के इन दीवारों के नीचे ननिहालों हैं, जीवन खतरे में हैं, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। अब देखना यह होगा कि ऐसे ग्राम प्रधान के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आपका सिविलेश गाँव रानी सरकारी विद्यालय में काम चल रहा है क्या? पूरा मामला पीला ईंट का। अच्छा, किसी से शिकायत की आपने? प्रधान से। आपको पता है ये पीला ईंट है? हाँ, पीला ईंट। आपको कैसे पता चला का पीला ईंट है? ये पीला ईंट तो कैसे दिख रही है। अच्छा अच्छा, पर प्रधान जी ने क्या कह दिया फिर? प्रधान जी ने कहती हम तो मिट्टी की बनवाएंगे। अच्छा, मैं मिट्टी, मिट्टी की बनवाएंगे। हाँ। अच्छा, फिर अब क्या चाहते हैं आप? अब्बल लगनी चाहिए। मैं आपका दिनेश गाँव रानीगंज। ये सरकारी विद्यालय में काम चल रहा है, ये क्या है पूरा मामला? ये जी हम ये चाह रहे हैं कि जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट से वो हमारे लिए मतलब अब्बल ईंट लगनी चाहिए। ईंट कैसी लग रही है? पीला पीला ईंट है जी। किससे शिकायत की आपने? प्रधान से। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? प्रधान पास करके चले गए। अच्छा, सही बता रहे हैं? सही बता रहे। अच्छा। लेकिन हम इस काम को रुकवा दिया आज। इस काम से आप संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से? अब आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि ईंट अब्बल